भारत के बड़े उद्योगपति रतन टाटा का 10 अक्टूबर को अंतिम संस्कार किया गया। दुनिया भर में उन्हें नम आंखों से विनम्र श्रद्धांजलि दी गई। रतन टाटा ने 86 साल की उम्र में ब्रीच कैंडी अस्पताल में आखिरी सांस ली। इस बीच रतन टाटा के करीबी दोस्त और युवा सहायक शांतनु नायडू बेहद भावुक नजर आए। शांतनु ने रतन टाटा के लिए एक भावुक पोस्ट भी लिखा। मैं अपने बाकी की जिंदगी इस दोस्ती के कारण मेरे अंदर पैदा हुए खालीपन को भरने में बिताऊंगा। प्यार की कीमत दुख है, अलविदा मेरे प्यारे लाइट हाउस। रतन टाटा के पार्थिव शरीर को अस्पताल से मुंबई के नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स हॉल में लाया गया था। रतन टाटा की अंतिम यात्रा में शांतनु सबसे आगे नजर आए। नम आंखों के साथ शांतनु नायडू बाइक से रतन टाटा की अंतिम यात्रा में आगे आगे चल रहे थे। शांतनु नायडू और रतन टाटा के बीच दोस्ती का अलग रिश्ता था। शांतनु की एक चिट्ठी ने और पशु प्रेम ने उन्हें रतन टाटा के करीब किया। शांतनु नायडू का जन्म 1993 में पुणे में हुआ। वे एक फेमस भारतीय बिजनेसमैन, इंजीनियर, जूनियर असिस्टेंट, डीजीएम, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, लेखक और एंटरप्रेन्योर है। शांतनु नायडू टाटा ट्रस्ट के डिप्टी जनरल मैनेजर भी हैं। पशु प्रेम और समाज सेवा का भाव मन में रखने वाले शांतनु ने मोटोपॉज नाम की संस्था बनाई। मोटोपॉज सड़कों पर घूमने वाले कुत्तों की मदद करती है। शांतनु ने गुड फेलोज नाम का एक स्टार्टअप भी लॉन्च किया जो बुजुर्गों को युवा साथियों से जोड़ता है। शांतनु और रतन टाटा के अच्छे दोस्त बनने की कहानी दिलचस्प है। दोनों की मुलाकात 10 साल पहले 2014 में हुई थी। शांतनु आवारा कुत्तों के लिए अंधेरे में चमकने वाले कॉलर डिजाइन करना शुरू कर रहे थे ताकि वाहन चालकों को उन्हें पहचानने में आसानी हो और दुर्घटना से बचा जा सके। शांतनु को अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए फंड की जरूरत थी। उसने रतन टाटा को चिट्ठी लिखकर मदद मांगने का फैसला किया। शांतनु को हैरानी उस वक्त हुई जब रतन टाटा ने 2 महीने के भीतर ही जवाब दिया। रतन टाटा ने पत्र लिखकर शांतनु को मुंबई आने और उनके साथ काम करने के लिए आमंत्रित किया। 7 काम करने के बाद शांतनु और रतन टाटा अच्छे दोस्त बन गए।
शांतनु ने जब अमेरिका से पढ़ाई पूरी की तब रतन टाटा उनकी ग्रेजुएशन जर्मनी में भी गए थे। शांतनु नायडू अपने परिवार की पांचवी पीढ़ी हैं जो टाटा ग्रुप में काम कर रहे हैं।